तो अगर देखो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखोगे कि एक बॉल है सस्पेंडेड फ्रॉम द सेल ऑफ द कार, कार ले लो, कार्ट ले लो, बस ले लो, सब जो है सिनेरियो सेम रहेगा, फिजिक्स सेम रहेगा। द ब्रेक आर अप्लाइड एंड द मास ऑफ द कार चेंजेस फ्रॉम सॉरी द स्पीड ऑफ द कार चेंजेस फ्रॉम 0 to 10 सेंटीमीटर टू 0, मतलब पहले 0 था अब 10 सेंटीमीटर हो गया, और टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड। तो एक्सलेशन आप निकाल सकते हो, एक्सलेशन आपका एक्सलेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, और वो चेंज होने में जितना टाइम लगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टी। तो फाइनल वेलोसिटी 10, इनिशियल 0 और टाइम 5 लग गया, तो यह आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतने से एक्सलरेट हो रही होगी कार, ठीक है ना। तो एंगल बाई विच द बॉल डेविएटेड फ्रॉम द वर्टिकल, जी की वैल्यू 10 ले लो, तो एंगल कितना डेविएट हुआ। देखो एंगल, ये वाला एंगल निकालना, ऑब्वियसली ये जो अगर कार इधर जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सलेट हो रही है, तो ये बॉल इधर डेविएट हो गया होगा। तो हाउ मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन बॉल, जो सूडो लगेगा मास ऑफ द बॉल और हॉरिजेंटल एम ए लगेगा। ये मैं इसी के फ्रेम से सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरा कोई एक ऑब्जर्वर है, वही ऑब्जर्वर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से टेंशन देखोगे तो टेंशन टी ऐसे आएगा, बट दो ही फोर्स लगेंगे, सॉरी एक एम जी भी लगेगा, तो 3 फोर्स लगेंगे। तो एम जी पहले से ही वर्टिकल जा रहा है, सूडो पहले से ही ऑरिजेंटल जा रहा है, तो टेंशन के कॉम्पोनेंट कर दो। तो यहाँ से टेंशन टी आ गया, तो टी का एक कॉम्पोनेंट इधर गया टी कॉस थीटा, टी का एक कॉम्पोनेंट इधर आया दैट इज टी साइन थीटा। तो अगर देखोगे तो टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा, और ये एम ए और एम जी, दीज आर द फोर्सेस। तो अब हमें थीटा निकालना है, तो अब मैं इक्वेशन लिखूँ वाई एक्सिस में इस ऑब्जर्वर को, जो ये ऑब्जर्वर मेरा जादूगर है वो बैठा हुआ है, और वो बैठा हुआ यहाँ से देख रहा है कि टेंशन टी कॉस थीटा वेट एम जी को बैलेंस किया हुआ होगा, तभी जाके वर्टिकल में मुझे रेस्ट में दिखाई दे रहा है, और टी साइन थीटा बैलेंस किया होगा सूडो को एम ए के, दैट्स वाई द स्ट्रिंग इज एट रेस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर डिवाइड कर दोगे तो टेन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ए बाई जी, ठीक है ना। तो अगर हमें थीटा ए की वैल्यू यहाँ 2 10 2 था, जी की वैल्यू 10 ले लूँ तो 1/5, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 10 इनवर्स 1/5, इसका फाइनल सोलूशन है, ये आ जाएगा यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/5। तो ठीक, अगर यहाँ से देखोगे तो 10 इनवर्स 1/5, यहाँ से दो दो ऑप्शन है, नहीं सही तो है, मतलब सी ऑप्शन सही है। थैंक यू।